गाइस मंकी एंड ट्रंक के और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा दीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यार गाइस मंकी एंड ट्रंक के और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए। निकलता जा रहा है। वाह 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 वाह। मोटा भाई इतना खुश केम छे है? ओए शाबाश 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 शाबाश। ओए बल्ले बल्ले ओके दीपो ओके दीशे ओके दीपो ओके दीशे। कमर बचपन की दिमाग बचपन का है। तमाम तमाम दोगे 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 दोगे। ये मोटा भाई मुझे डांस विद्या डांस के लिए प्रैक्टिस करना है, मेरे कोरियोग्राफर बनो ने। ओ क्यों नहीं काके, पता कौन सा स्टाइल सीखना है? अरे मोटा भाई मैं बंदर हूँ तो नकलची बंदर वाला ही स्टाइल करूँगा ने। ओ ये स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे रा मेरे सपने पे कचरा डाल दिया। ओए मेरी नकल करना बंद कर। ओए ओए क्या कर रहा है काके? कुछ नहीं कर रहा है काके। चकदा फट्टे नब्दे गिल्ली दूध पी गई पालतू बिल्ली। अभी सबक सिखाता हूँ। फिर से एक नई बात फील्ड में देखने को मिली, जो बैट्समैन कर रहा है वही बॉलर कर रहा है और जो बॉलर कर रहा है वो बैट्समैन कर चुका है। ए मोटा भाई टाइम प्लीज। क्यों हो? ए पता है एनिमेटेड कान को क्या बोलते हैं? ओए नहीं मालूम। कार्टून। देखे जरा किसमें कितना दम। हुड़की मैं भी हुड़की। मोटा भाई ये तो चीटिंग है, पूरी वानर फैमिली में से भी कोई नहीं उठा सकता ये। क्या हुआ, हवा निकल गई? मेरा और पत्थर का रिश्ता जैसे बॉडी बिल्डर और डंबेल का रिश्ता। उठा लिया ये मम्मी। ये पत्थर उठाना बहुत ही रॉकिंग था मोटा भाई। बस कर। अरे तू बस कर, तू छोटा है, तू छोटा है। अरे तू, अरे तू बोला ना, तू बोला ना तू। ये सब क्या है? और मौजेदार है। कुछ अलग सी है इस जंगल की माटी, जब भी देखो यहाँ सब करते रहते हैं। तो यार गाइस मंकी एंड ट्रंक के और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा दीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यार गाइस मंकी एंड ट्रंक के और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा दीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी जानवर खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बंदर नोटिस करता है कि वो बोल सकता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बोल सकता है। वो बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त हाथी के पास जाता है, तो हाथी भी उससे बातें करने लग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो अब बोलने लग गए थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे बोलने लग गए। तभी हाथी को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उस आवाज का पीछा करते करते एक झाड़ी के पास पहुंचते हैं। तो उस झाड़ी में से रोने की आवाज आ रही होती है कि तभी उस झाड़ी में से एक ब्लू कलर का एलियन बाहर आता है जिसका नाम फिनिप होता है। जिसे देखकर वो दोनों डरकर दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर वो उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे थे। तो फिनिप उन्हें बताता है कि वो दूर अंतरिक्ष से आया है और उसे वापस अपने घर जाना है। फिर फिनिप उन्हें अपना स्पीच बोर्ड दिखाता है और कहता है कि तुम इसी की वजह से बोल पा रहे हो, क्योंकि इसके आसपास रहने वाले सभी जिंदा जीव बोलने लग जाते हैं। स्पीच बोर्ड को देखते ही मंकी उसके हाथ से स्पीच बोर्ड ले लेता है और सभी जानवरों के पास जाकर उसे टेस्ट करने लगता है। तभी वो देखता है कि फिनिप काफी ज्यादा उदास है, तो मंकी उसे स्पीच बोर्ड वापस दे देता है और तभी वहाँ मंकी के सभी दोस्त भी आ जाते हैं। फिर फिनिप उन सबको बताता
बताता है कि वो इस गोल्डन प्लेनेट से यहाँ एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया है। मंकी मिशन के बारे में सुनते ही काफी खुश हो जाता है और वो फिनिप से मिशन के बारे में पूछता है, तो फिनिप कहता है कि अगर तुम ना ही पूछो तो ही अच्छा है। फिर मंकी उसे कहता है कि अगर तुम हमें तुम्हारे मिशन के बारे में बताओगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो फिनिप कहता है कि मुझे मदद नहीं चाहिए क्योंकि मैं स्कॉल्डियन हूँ और स्कॉल्डियन कभी भी मदद नहीं लेते और ये मिशन मुझे अकेले ही पूरा करना है, इसीलिए तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उसका पीछा करने लगते हैं। इसी वजह से उसे अपने मिशन के बारे में उन्हें बताना पड़ता है कि उसे इस गोल्डन प्लेनेट के लोगों ने अर्थ पर कब्जा करके तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए भेजा है। मंकी और उसके दोस्त ये सब सोचकर उसकी बात मान लेते हैं कि इससे वो अपने प्लेनेट वापस जा सकेगा और वो उसे कहते हैं कि वो प्लेनेट को जीत चुका है और फिर वो सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। इसके बाद सब उसकी जीत से बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फिनिप उन सबको अपना नाम बताता है और उन सभी का नाम ना होने के कारण उन्हें मंकी थंक हम्प और रोकी नाम देता है। फिर मंकी फिनिप को कहता है कि अब तो तुम्हारा मिशन भी कंप्लीट हो गया है लेकिन अब तुम घर कैसे जाओगे। तो फिनिप उन्हें बताता है कि मैं यहाँ एक स्पेसशिप से आया था लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से अब मैं घर नहीं जा सकता। लेकिन अब मैंने जब इस प्लेनेट को जीत लिया है तो मैं मेरे स्पेसशिप का होम बटन दबा सकता हूँ जिससे मेरे लोग मुझे लेने आ जाएंगे। इसीलिए वो सबके साथ में स्पेसशिप की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ वाइल्ड बीस्ट घेर लेते हैं जो गाना गाते हुए उन्हें रोकने लग जाते हैं। तो फिनिप अपने पावर से उनके बीच से निकल जाता है लेकिन फिर भी वाइल्ड बीस्ट उन्हें रोकने लगते हैं। तो फिनिप वाइल्ड बीस्ट के सरदार के गाने की तारीफ करता है जिससे वो सब उन्हें जाने देते हैं। वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि एक होस्टेज का अंडा उनकी तरफ आ रहा है और थंग के पैरों के नीचे आने से वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेबी होस्टेज निकलती है जो बाहर निकलते ही उड़ने की कोशिश करने लग जाती है। तो उसकी मदर उसे समझाती है कि हम होस्टेज हैं और हम उड़ नहीं सकते, हम सिर्फ दौड़ सकते हैं। और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। ये देखकर फिनिप की बॉडी अचानक से ग्लो करने लग जाती है और फिनिप उन्हें जल्दी से स्पेसशिप की तरफ चलने को कहता है। फिर हमें हम्ब को दिखाया जाता है जो घास में फंसने की वजह से पीछे रह जाता है और अब वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो फिनिप से दूर हो गया था। उसे उसके दोस्त कहीं नजर नहीं आते तो वो एक टीले पर चढ़कर देखता है तो उसे एक रोशनी दिखाई देती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फिनिप उनसे पूछता है कि वो होस्टेज अपने बच्चे को दबा क्यों रही थी। तो मंकी उसे बताता है कि वो उसे जप्पी दे रही थी, मतलब कि वो उसे बता रही थी कि उसे बहुत प्यार करती है और जप्पी दोस्ती की निशानी भी होती है जिससे दिल खुश हो जाता है। फिर मंकी फिनिप से कहता है कि तुम अपने प्लेनेट पर एक दूसरे को जप्पी नहीं देते तो फिर अपनों से प्यार कैसे करते हो। तो फिनिप कहता है कि हमारे प्लेनेट पर ऐसा नहीं होता, हमारे प्लेनेट पर लोग उसे ही चाहते हैं जो प्लेनेट जीतता है और जो जितने ज्यादा प्लेनेट जीतता है उसे उतनी ज्यादा इज्जत मिलती है और इस प्लेनेट के अलावा मैंने आज तक कोई प्लेनेट नहीं जीता। और ये कहते ही वो काफी दुखी हो जाता है और उन सबको अपने पास से जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम्प जब उस चमकीली चीज के पास जाता है तो उसकी आवाज वापस आ जाती है और वो चमकीली चीज और कोई नहीं बल्कि फिनिप का स्पेसशिप होता है। और जब वो उसके पास जाता है तो उसे इस गोल्डन प्लेनेट के लीडर का प्रोजेक्शन दिखाई देता है जो कहता है कि जैसे ही फिनिप उस प्लेनेट को जीतेगा तो वहाँ के प्राणियों को ले जाएंगे। ये सुनकर हम अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने के लिए भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फिनिप देखता है कि उसके मना करने के बावजूद भी वो उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो काफी खुश होता है क्योंकि वो सब अब उसके दोस्त बन चुके होते हैं। फिर सूरज डूबते ही वो सभी थकान के कारण सो जाते हैं और फिनिप को भी अपने साथ सुला लेते हैं। फिर फिनिप को याद आता है कि अगर उसके ग्रह के एलियन यहाँ आ गए तो उन सबको यहाँ से ले जाकर अपना गुलाम बना लेंगे। ये सुनकर फिनिप घबरा जाता है क्योंकि फिनिप अब उनको अपना दोस्त मानने लग गया था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद थंक और मंकी की आँख खुल जाती है तो देखते हैं कि फिनिप वहाँ नहीं है और इसी वजह से वो अब बोल नहीं पा रहे होते। फिर वो फिनिप को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फिनिप को दिखाया जाता है जो अपनी स्पेसशिप तक पहुँच जाता है
जाता है और उसके अंदर बैठकर वो होम बटन को प्रेस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम अपने दोस्तों को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उन सभी से बोल ना पाने के कारण वो उन सभी को इशारों में एलियन के बारे में सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी वो एक बहुत ही बड़े चमकते हुए स्पेसशिप को देखते हैं, जो विनिक के होम बटन दबाने की वजह से वहां आ गया था। फिर वो सब भी उस स्पेसशिप की तरफ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेसशिप में सभी स्कोल्डियन वासियों का लीडर क्रोगन शिप से बाहर निकलता है, जो असल में फिनिप के डेड होते हैं। वो उतरते ही फिनिप से पूछते हैं कि अगर तुमने प्रति को जीत लिया है तो अब तक तुमने आसमान में स्टार क्यों नहीं छोड़ा और इस प्रति के प्राणी कहाँ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर उन्हें ले जाने के लिए तैयार है। उसकी ये बातें मंकी और बाकी सभी छिपकर सुन रहे होते हैं। दरअसल स्कोल्डियन प्लेनेट पर जब कोई भी एलियन किसी प्लेनेट को जीतता है तो उसे अपने स्टार को लॉन्च करके अपने जीत का सबूत देना होता है, लेकिन फिनिप ने अब तक ऐसा नहीं किया होता। इसीलिए क्रोगन को उस पर शक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में इस प्लेनेट पर जीत हासिल की है या नहीं, जिस पर फिनिप कहता है कि मैंने इस प्लेनेट को नहीं जीता है, मैंने बस अपना स्पेसशिप खराब होने की वजह से आपको यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही क्रोगन को फिनिप पर बहुत गुस्सा आता है और वो खुद ही अर्थ को जीतने का फैसला करता है। तभी फिनिप अपने फादर को रोक लेता है और कहता है कि इस प्लेनेट के जीव बहुत खतरनाक और ताकतवर है और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर क्रोगन यहाँ से जाने का फैसला करता है और फिनिप को वहाँ से दूसरे प्लेनेट पर भेजने के लिए अपने साथ ले जाता है। इधर ट्रंक और बाकी सब ये देखकर समझ नहीं पाते कि फिनिप उन्हें सच क्यों नहीं बता रहा, तो मंकी समझ जाता है कि वो हमें बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं जब फिनिप शिप में एंटर करता है तो सभी एलियन उसके कमजोर होने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और क्रोगन उसे किसी दूसरे प्लेनेट पर भेजने का फैसला कर ही रहा होता है। तभी मंकी और उसके दोस्त शिप का गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो क्रोगन को कहते हैं कि फिनिप अब घर जाएगा क्योंकि उसने हमारा प्लेनेट जीत लिया है। ये सुनकर फिनिप अपने फादर को सच बता देता है कि मैंने इस प्लेनेट को जीत तो लिया है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कैद नहीं होने दूंगा, इन्हें आजाद कर दूंगा। इस पर क्रोगन उससे कहता है कि स्कोल्डियन कभी भी किसी कैदी को रिहा नहीं करते, उन्हें सजा देते हैं। तब फिनिप उनसे कहता है कि ये मेरा प्लेनेट है और मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन क्रोगन उससे कहता है कि तुमने इस प्लेनेट को जीता नहीं है क्योंकि अभी तक तुमने अपने स्टार को लॉन्च नहीं किया है और इसीलिए अब मैं इस प्लेनेट को जीतूंगा। और फिर वो उन सभी को घुटने टेकने को कहता है, लेकिन तभी ट्रंक उसकी डिवाइस को उससे छीन लेती है, जिससे पूरे शिप के एलियन गन से डर कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रंक उस गन को नीचे की तरफ फायर कर देती है, जिससे शिप टूट जाती है और ट्रंक शिप से बाहर आ जाती है, लेकिन वो अपने सूंड की हेल्प से सेफली लैंड हो जाती है और इन सब में फिनिप का स्टार भी नीचे गिर जाता है। इधर कुछ स्कोल्डियन फिनिप को पकड़ लेते हैं, जिसे बचाने के लिए वो उन सब से लड़ने लग जाते हैं और फिनिप अपने सितारे को ढूंढने लग जाता है जो नीचे गिर चुका था। लेकिन तभी क्रोगन अपने स्टार को लॉन्च करने लग जाता है तो मंकी उससे स्टार छीन लेता है और उस शिप से बाहर आ जाता है। क्रोगन अपने स्टार को वापस लेने के लिए उसका पीछा करने लगता है और इसी दौरान मंकी ट्रंक को फिनिप के स्टार को कैसे भी करके उस तक पहुंचाने का बोलता है। ये सुनकर बेबी होस्टेज अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो आसमान में जाकर स्टार को फिनिप तक पहुंचा सकती है। उसकी जीत देखकर उसकी मोम मान जाती है और ट्रंक अपनी सूट से उसे आसमान में पहुंचा देता है और वो काफी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे उस शिप में पहुंच जाती है और उस स्टार को फिनिप को दे देती है। लेकिन तभी क्रोगन मंकी से अपने स्टार को वापस छीन लेता है। इधर जब फिनिप शिप से बाहर अपने स्टार को लॉन्च करने आने लगता है तभी कुछ स्कोल्डियन उसे पकड़ लेते हैं और उसके स्टार को ले लेते हैं और क्रोगन अपने स्टार को अर्थ पर लॉन्च कर देता है और खुशियां मनाने लग जाता है। लेकिन तभी फिनिप उससे कहता है कि भले ही आपका स्टार आसमान में हो, लेकिन अभी तक आपने यहाँ के प्राणियों को नहीं हराया है। तो क्रोगन कहता है कि इन कमजोरों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो फिनिप उनसे कहता है कि सोना आपकी गलत फहमी है क्योंकि इनके पास एक खुफिया हथियार है जो बहुत ही ताकतवर है और इतना ताकतवर हथियार मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर वो अपने डेड से गले लग जाता है और उनसे प्यार करने लग जाता है, जिससे क्रोगन इमोशनल होकर रोने लग जाता है, जिसकी वजह से उनका रंग भी बदल जाता है, जिसके बाद वो भी फिनिप को गले लगा लेता है और अब वो बहुत खुश होता है। फिर वो सभी स्कोल्डियन को गले लगाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है और आखिर में सभी स्कोल्डियन को भी अच्छा बना देता है और क्रोगन फिनिप को खुशी खुशी पृथ्वी पर स्टार लॉन्च करने को कहता है। लेकिन फिनिप उनसे कहता है
लगता है कि ये प्लेनेट मेरा नहीं है, हर प्लेनेट वहाँ के रहने वालों का होता है। लेकिन फिर फिनिप के दोस्त उसे कहते हैं कि हमें वो रोशनी देखनी है, और इसके बाद वो अपने स्टार को लॉन्च कर देता है, जिसके कारण आसमान में उन सभी की तस्वीर बन जाती है और फिनिप उन सभी को गले लगा लेता है। फिर फिनिप अपने सभी दोस्तों को गिफ्ट देता है और सभी स्कॉल्डियन वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।